ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक छोटी सी बात और सुनाती हूँ कि सब दादियों की दुआएं वरदान कैसे लगते हैं। एक बार जो है बड़ी दीदी जब मम्मा बम्बई में थी तो दीदी बाबा के पास थी। जब तक मम्मा लौट के आए तो मैं रोज़ दीदी के सिर में मधुबन में तेल लगाती थी दिन में। पहले दीदी लगवाने को तैयार नहीं थी, फिर मैंने कहा नहीं दीदी मुझे तेल लगाने आता। कहा तू नडरी क्या लगाएगी चोटरी। मैंने कहा नहीं दीदी आप लगवा के देखो, मुझे चंपी मालिश आती है। बोली वो क्या होता है। हमने कहा ये होता है दादी। कहाँ सीखा। मैंने कहा दीदी मैंने सीखा नहीं, मैंने देखा है। कहाँ देखा बताया। लखनऊ में पार्क में हम लोग छोटे छोटे थे तो चले जाते थे शाम को, तो वहाँ ऐसे वो घूमते थे चंपी मालिश वाले, कोई कोई कराते थे तो मैं छोटी थी मैं देखती थी। कहा अच्छा तो तुम मेरे सिर पे एक्सपेरिमेंट करेगी। मैंने कहा हाँ दीदी आपको अच्छा लगे तो कराना और ना अच्छा लगे तो फिर बता देना। तो जब मैंने दीदी को तेल लगाया तो दीदी को बहुत अच्छा लगा। बोली तो बहुत अच्छा लगाया तुमने। तो मैं पूरा 3 मास दीदी को तेल लगाती रही। तो दीदी एक दिन बोली कि विद्या ये जितने आते हैं घर वाले पार्टी वाले सब मेरा मथा खपाते हैं, तो इनका सिर दर्द तो मैं ठीक करती हूँ और मेरा सिर दर्द तो ठीक करती है, तो ये बताओ कि जो है जब तेरे सिर में दर्द होगा तो कौन ठीक करेगा। मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं था। तो दीदी खुद कहती देखो विद्या तुमको लाइफ में कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा, और आज 60 साल हो गया मुझे सिर में दर्द नहीं हुआ। सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो ओले पड़े कुछ भी हो, मैं नहीं जानती सिर में कभी रुमाल भी ढकी जाती है, आज तक मुझे दर्द नहीं हुआ चाहे कितने एक्सीडेंट हो गए चोटाई सब कुछ हुआ। ये हमें बड़ी दीदी की दुआ मिली है। ऐसे प्रकाशमणि दादी चंद्रमणि दादी और जानकी दादी की तो बहुत ही मिली, और रतनमोहिनी दादी जो हमारे पूर्वज अभी हमारी सेवा कर रहे हैं जो करके चले गए, इतना खजाना दे गए हैं कि जिसका कोई अंत नहीं।